वो उसे पुलिस को फोन करने से रोकता है। उसका अपनी पत्नी को गायब करने का प्लान है। दरअसल एम एक सफल राइटर था। उसकी जिंदगी में उसका करियर और प्यार दोनों उसका साथ दे रहे थे, लेकिन समय के साथ एम अपनी बीवी निकी से दूर होता चला गया। अब उसे उसके ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की लिली से प्यार हो गया, लेकिन बेवफाई ज्यादा दिन तक नहीं छिपती। एक दिन उसकी बीवी को बाथरूम में एक कान की बाली मिलती है, लेकिन वो तो बाली पहनती ही नहीं थी। उसे तुरंत अपने पति की बेवफाई का पता चल जाता है, लेकिन वो एम से इस बारे में कोई बात नहीं करती और कोई बहाना लगाकर कुछ दिनों बाहर जाने का प्लान बनाती है। वो देखना चाहती थी कि एम किस हद तक गुजर सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि एम उसी रात अपनी को अपने साथ घर पर ले आएगा। निकी अपने फोन में दोनों को देखकर बहुत रोती है, लेकिन फिर भी वो एम को एक मौका देती है। अगर एम लिली से हमेशा के लिए अलग हो जाए तो वो उसे माफ कर देगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसे दुनिया के सामने बेनकाब कर देगी। अब एम की बोलती बंद थी, वो नहीं चाहता कि उसका लिली के साथ अफेयर दुनिया के सामने आए, लेकिन वो लिली से भी अलग भी नहीं होना चाहता था। उसी समय उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। पहले तो एम थोड़ा हिचकता है, लेकिन फिर वो निकी की तरफ कैमरे को फोकस कर देता है, लेकिन उसे निकी के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आते हैं। निकी एम को देखकर खुशी से मुस्कुराती है। वो सोचती है कि एम बदल गया है और वो लिली को छोड़ आया है। तभी एम अपना